students are going online classes of SVTS standard 6 subject English moral value chapter 3 believe in yourself. Answer the following question. Question first, describe IEW. जो वो बतख का बच्चा क्रूर था उसका यहाँ पर वर्णन करना आपको. अगली अगेंस्ट बी वाज अ टू लिटिल लॉन्ग. उस बतख के बच्चे की जो चोंच थी वो थोड़ा बड़ी थी. अगर जो डगलिंग थे उसकी अपेक्षा स्क्रफी उसके जो पंखे थे वो स्क्रफी थे. एंड हिज फेस वाज अ लिटिल टू अग्ली. और उसका जो चेहरा था वो भद्दा था. वो बतख के समान लगता ही नहीं था. क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डिड मदर डकलिंग मेक द अगली डकलिंग स्टे इन द कॉर्नर इन द पॉन्ड. मतलब माता जो उसकी माता थी वो उसको तालाब के किनारे पर दूसरे किनारे पर क्यों ले गई. मदर डकलिंग बिकेम वेरी मैरिड. मतलब माता जो उसकी थी मदर डकलिंग जो थी वो बहुत ही चिंतित हो रही थी. और वह अगली डकलिंग अपने उस बच्चे अपने बच्चे से. सो मदर डकलिंग मेड हिम स्टे इन द कॉर्नर ऑफ द पॉन्ड. इसलिए वो उसको तालाब के दूसरे किनारे पर ले गई थी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट मेड द अगली डकलिंग रन अवे. मतलब ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वह वहां से भागना चाहता था. हिज मदर डिस्ट्रेस. उसकी माता की परेशानी है. उसकी माता की परेशानी ने मेड अगली डकलिंग रन अवे. अगली डकलिंग वहां से अपने मतलब अपनी माता की परेशानी देखकर वो वहां से भाग गया. व्हाट डिड द डक्स डू विद द अगली डकलिंग. अन्य जो बच्चे थे तालाब में वो क्या करते थे उसके साथ. द डक्स स्टार्टेड एट द अगली डकलिंग. और अन्य बच्चों ने उसकी ओर देखना प्रारंभ कर दिया. बिगन टू लाफ. और उसको देखकर हंसने लगे. एंड मेकिंग फन. और उसका मजाक बनाने लगे. होमवर्क में आप नोट करेंगे. कंप्लीट वर्क एंड लर्निंग.